मोशन ऑफ बॉडी ऑन द पुली में केस हम लोग फर्स्ट पढ़े थे और उस पर न्यूमेरिकल भी देखा गया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों का केस सेकंड है, केस सेकंड। ठीक है, ये पुली फिक्स की गई है, ये दो ब्लॉक है, इसका मास M2, इसका मास M1, M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन M2, ये केस है। अब इस पर बस वैल्यू आपकी डिफरेंट दी रहेगी, कंडीशन यही रहेगा। ठीक है ना, तो M1 इज ग्रेटर देन M2, ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये डाउनवर्ड वर्क करेगा M1 इंटू जी, अपवर्ड क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन ही ना स्ट्रिंग, क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन ही ना स्ट्रिंग, सेम जो टेंशन इसके द्वारा इस स्ट्रिंग पर भी प्रोड्यूस होगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, टी। ठीक है, अब हम देखें फोर्स ऑन अ मास, सॉरी फार मास M1, फार मास M1, फार मास M1, क्या लिखेंगे यहाँ पर, M1 into G minus T is equal to mass into acceleration M1 into A, यानी M1 into G minus T is equal to M1 into A in equation first। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्यों इस M1 into G में से T को क्यों सब्स्टिट्यूशन किया, क्योंकि यह ज़्यादा लग रहा है, तभी तो ये बॉडी नीचे आ रही है, ये बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड एसरेट कर रही है और ये बॉडी हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट, यानी टू अवे द फिक्स्ड पुली, टू अवे द फिक्स्ड पुली। तो फार मास M2, फार मास M2 क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू M2 इंटू A इन इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हम लोगों का, M1 into G, M1 into G is equal to mass M1 plus M2, A को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो therefore common acceleration A is equal to M1 upon total mass M1 plus M2 into acceleration due to gravity, इसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन acceleration कहेंगे। ठीक है, अब टेंशन पूछ रहा है तो A की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में आप क्या कर दें, पुट कर दें, तो टेंशन ही ना स्ट्रिंग मालूम हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ए इन इक्वेशन सेकेंड, टी इज इक्वल टू क्या करें, एम टू इंटू ए ले लें, ए की वैल्यू पुट कर दें, क्या आया ए की वैल्यू, एम वन इंटू जी अपन एम वन प्लस एम टू आया है, तो देयरफॉर एम टू एम वन अपन एम वन प्लस एम टू इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कॉमन टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ अ बोथ ब्लॉक। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, कॉमन टेंशन बोलेंगे, कॉमन टेंशन बोलेंगे। ठीक है, अब पूछता अगर नेट फोर्स ऑन द पुली, नेट फोर्स ऑन द पुली पूछता है तो कैसे निकालेंगे, याद रखो नेट फोर्स ऑन द पुली बहुत बार कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जा चुका है इसको, नेट फोर्स ऑन द पुली, ये एक टेंशन इधर लग रहा है और एक टेंशन आपका इधर लग रहा है, दोनों के बिटवीन एंगल कितना मिला, 90 डिग्री, नेट रिजल्टेंट ये मिलेगा आर इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द पुली फाइंड करेंगे, ओ आर रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पुली ई एफ इज इक्वल टू रूट टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टू
T1 T2 cos theta. तो T1 T2 के जगह पर क्या है, यहाँ भी T है, ये इधर भी T लग रहा है और इधर भी T लग रहा है. यहाँ देखो T लग रहा है, एक यूं गया एक यूं गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं. कैसे हैं? परपेंडिकुलर. तो एंगल बिटवीन टू टेंशन, एंगल बिटवीन थीटा इज इक्वल टू क्या रखोगे, 90 डिग्री. आ कास 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कास 90 डिग्री आपका क्या होता है, क्या होता है, वन होता है, जीरो होता है. कास 0 डिग्री इक्वल टू वन होता है, कास 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, वन, और कास 90 डिग्री इक्वल टू जीरो होता है. तो अब ये क्वांटिटी हम लोगों की क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये सारी क्वांटिटी इधर जीरो हो जाएगी. यही मिलेगा, क्या मिलेगा, टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर. क्या रख सकते हो, टू टी का स्क्वायर, ये टी बाहर ले लो तो क्या आया, टी रूट टू. आ टी की वैल्यू मालूम है, M1 M2 अपन M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या रखेंगे यहाँ पे, टी रूट टू M1 M2 अपन M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हमको क्या मिला, नेट फोर्स ऑन द पुली, नेट फोर्स ऑन द पुली, नेट फोर्स ऑन द पुली. अब इस पर आप न्यूमेरिकल पूछ सकते हो, न्यूमेरिकल इस पे. ये स्मूथ सरफेस हो गया, ये फिक्स पुली हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ये दो बॉडी हो गए. अब कह रहा है क्वेश्चन में देखो, अ बॉडी M1 आप मास 10 kg, तो यहाँ हमने ले लिया M1 इज इक्वल टू 10 kg. फिन इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, इट इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एंड कैरी एट द अदर एंड अ बॉडी M2 ऑफ मास 5 kg. यहाँ पर हमने क्या कर दिया, M2 इज इक्वल टू रख लिया 5 kg. तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट एक्सेलरेशन एंड टेंशन प्रोड्यूस इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन कितना आपका प्रोड्यूस होगा. तो अब देखिए ये हो गया M1 × g, ये हो गया हमारा टी, इधर भी टी प्रोड्यूस होगा, बोलो टी सेम होगा, क्योंकि इसके कारण इस पर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये दोनों मास के लिए टेंशन क्या होगा, सेम. तो इसलिए इसका क्या नाम रखेंगे, कॉमन टेंशन इन ए स्ट्रिंग ऑफ अ बोथ ब्लॉक, ठीक है, आई बात समझ में. तो फॉर मास M1 10 g माइनस टी इज इक्वल टू 10 × a इन इक्वेशन फर्स्ट. फॉर मास M2 टी इज इक्वल टू 5 a, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ये टेंशन कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 10 g, आइए कितना हो जाएगा 15 a. तो a इज इक्वल टू 10 × 10, ठीक है, बोलो 10 × 10 अपन कितना हो जाएगा 15, वही आया आ रहा है ना. तो ये कितना जाएगा 100 upon 15 in, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 26.66 meter per second. अब जी की बोलो अगर 9.8 रखते हो तो वहाँ से भी निकाल सकते हो. अब टी निकालना है कॉमन टेंशन, तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो ए की वैल्यू, ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, इसके लिए क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ए इन इक्वेशन, बोलो ना सेकेंड होगा, तो सेकेंड टी इज इक्वल टू M2 × a. M2 कितना है,
फाइव, एम टू कितना है फाइव, तो फाइव और ये कितना आया है 20/3 बोलो या 6.6, ठीक है 6.6, तो इसको मान लो 6.7 मल्टीप्लाई कर लो, कितना रहा है 33.5, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं थर्ड नेक्स्ट क्लास में।